मामला कोतवाली क्षेत्र के पशु चिकित्सालय का है, जहां एक पत्रकार और चिकित्सक के बीच जमकर झड़प होने के साथ मारपीट हुई। उनके वो उसके लिए जिम्मेवार ही है, लेकिन ये फोटो क्लास है, इनसे पूछिए। आप भेजना मेरा, बताओ ये तुम बताओ, ये क्या बात हुई थी अभी सफाई के लिए एक हफ्ते पहले? क्या काम रसीद भेजा थे ये सफाई कर्मचारी? लोगों से पैसे लो, जैसे लोग आते हैं अपना जानवर लेते हैं। नहीं, अभी आप ये पूछिए पहले, अस्पताल के खर्चे के लिए कौन जिम्मेवार है ये पूछिए ना उस बात को, कि ये इन्होंने क्यों ऐसा कहा कि आप अस्पताल की सफाई करेंगे उसका खर्चा आप देंगे, ये पूछिए ना। इसी उसके अगेंस्ट आप लोगों से पैसे लेते हैं? नहीं, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा ये कहाँ से आएगा, बोले आप जो कुछ टीवी में थोड़ा बहुत लेकर के अपना उसका पूरा कर लीजिए, ये बात ना हो तो पूरी पूछिए ना, ये भी लोग हैं इनके साथ। मैं तो यहाँ नहीं हूँ, ये नहीं जैसा जो कह रहे सच कह रहे हैं। अरे मैं बताओ डॉक्टर जो कह रहे सच कह रहे हैं साहब ने, ऐसे ही कहा है ना? हाँ सही कह रहे हैं, कि जो खर्चा नहीं हो कहाँ से आओ आप यहीं से पूरा करिए, कैसे भी करिए, लोगों पैसे लीजिए या कुछ भी करिए, मतलब वो आपको यहीं से अरेंज करना है जी लोगों से। मौके पर ही सूचना मिलने पर सीओ सिटी निशांक शर्मा पहुंच गए। मामले की जानकारी लेते हुए दोनों पक्षों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। सीओ सिटी निशांक शर्मा ने बताया कि एक पंजाब केसरी अखबार के पत्रकार की पशु चिकित्सालय के चिकित्सक में मारपीट का मामला है, जिसमें दोनों पक्षों की तहरीर कोतवाली में दे दी गई है, जिसमें पत्रकार के खिलाफ दी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी पत्रकार द्वारा दी गई तहरीर की रिपोर्ट एसपी पीलीभीत के संज्ञान में दी गई है, जो कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तहरीर पर डीएम साहब के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अखबार के पत्रकार थे, वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए सीबीओ ऑफिस में गए थे, वहाँ पे एसीबी पर बैठे हुए थे, तो किसी अनियमितता को लेकर सीबीओ ने और ऐसे गए थे पंजाब के सी को, उनके बीच में किसी बात को लेकर बात सुनी, तो उनके बीच में झगड़ा बढ़ा, मारपिटाई भी हुई है। हमने तहरीर दी है एसीबीओ के खिलाफ, तो एसीबीओ सरकारी कर्मचारी है, तो उनके खिलाफ डीएम की अनुमति है, उसी के बाद हम अपना पंजीकृत करेंगे, उसके लिए हमने पता सके हमने इस मामले में भी मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। पीड़ित का कहना है कि पत्रकार ने खबर के दौरान अवैध ग्राहकों से वसूली के नाम पर लिए जाने वाली मुद्रा की जानकारी लेनी चाहिए तो चिकित्सक अभद्रता पर उतर आए और मारपीट करने लगे और कहा कि वह इसी तरह अवैध वसूली करेंगे, जो करना है कर लो। ये जानवरों के अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी प्रसाद जी, ये जो हैं इनकी आए दिन ये आ रही थी खबरें कि ये सब गरीबों से लोगों से पैसा लेते हैं, जो वैक्सीन वहाँ पर उपलब्ध हैं वो वैक्सीन भी वहाँ पर पैसा लेकर के बेचते हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ पर गए थे और जिन लोगों से ये लोग पैसा ले रहे थे उसका हम लोगों ने विजुअल बनाना शुरू कर दिए, पूरा स्टिंग किया था हम लोगों ने, और जब हम लोगों ने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली उसके बाद में डॉक्टर साहब ने देखा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो एकदम आग बबूला हो गए। पहले तो जो पैसे दे रहा था पहले उस पर उन्होंने 88 डिग्री गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, उसके बाद में फिर हमसे मोबाइल छीना, हमारा मोबाइल तोड़ के फेंक दिया, उसके बाद में फिर हाथापाई को उतराए, उसके बाद में उन्होंने कुर्सी उठाकर हमारे 2-3 बार मारी, जिससे कि मेरे पसली पे, हाथ पे, ये माथे पे और पीठ पे और हाथ पे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी कि मैंने मेडिकल कराया है और इनकी जो है एक रिपोर्ट जो है वहाँ कोतवाली में भी दे दी है। मौके पर पहुँच गए थे सीओ और कोतवाल, जिनके सामने भी लक्ष्मी प्रसाद ने यही कबूला कि मैं रिश्वत लेता हूँ, लेता था, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब देखना यह है कि इस योगी सरकार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इस शख्स को न्याय मिल पाता है या नहीं।